Hi, hello, namaste friends. Welcome to Sharani in the Greek cooking. Today I am going to show you how to make tomato lassam pickle. Ji ha, aaj hum banayenge tomato garlic ka swadishth pickle. So aaiye, iske liye humne kya kya liya hai, dekhte hain. Idhar liya hai 1 kilo tomato, 100 gram lassam, idhar 1 teaspoon red chili, sweet chili hai ye, kashmiri lal mirch, 1 teaspoon tikka lal mirch, adha teaspoon haldi, 1 teaspoon ulundi ki dal, 1 teaspoon chene ka dal, idhar 1 teaspoon sukka methi, 1 teaspoon som, 1 teaspoon zira, swad anusar namak, 2 tablespoon tel. So aaiye banayenge swadishth tasty fatafat tomato lassam ka achar. हमारा टमाटर कट करके रेडी हो चुका है. अभी इसके अंदर जो बीज था इसको निकाल दिया है. इसके साथ भी बना सकते हैं पर लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको निकाल दिया है. इसको है ना, जब ये हम सब्जी बनाएंगे सब्जी में डाल देंगे, या टमाटर राइस बना दिया तो टमाटर राइस में डाल देंगे. इसको फ्रिज में रखेंगे या फ्रीजर में रखेंगे, लॉन्ग टाइम खराब नहीं होगा, जब चाहिए लेकर यूज कर सकते हैं. सो अभी इसको बनाने शुरू कर देंगे टमाटर एंड गार्लिक पिकल, टमाटर लहसुन का पिकल. सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल गरम होने देंगे. अभी तेल गरम हो गया है, इसमें जो मसाला रखा है ना, सोम जीरा मेथी, इन सबको डालकर लाइट सा ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे. इसी में ही चने का दाल भी डाल देंगे. इसमें भी जो उड़द की दाल रखा है ये भी डाल दिया. इसमें टमाटर इसमें अच्छी तरीके से पकने तक इसको पकाएंगे. 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा. अभी रेडी होने के बाद इसको ब्लेंडर में पीस कर तड़का लगाएंगे. सो अभी इसको कुक होने देंगे. अभी हमारा टमाटर ऑलमोस्ट आधा कुक हो गया है. अभी थोड़ा और थोड़ा पानी सूखना है, उसके बाद इसको पीस कर बनाएंगे. सो अभी भी इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा से रह गया और मिक्स करते रहना है. अभी इसमें 2 टेबलस्पून इमली भी लेनी है, मैं बोलने की. सो इमली भी ले लीजिए, 2 टेबलस्पून इमली का रस अभी डाल देंगे. अभी इधर कुक हो रहा है और इधर बैलेंस रह गया हमारा गार्लिक जो लहसुन, इधर इमली 2 टेबलस्पून और तेल तड़का लगाने के लिए, स्वाद अनुसार नमक और मसाला इधर है. अभी सबको मिक्स करके तैयार कर लेंगे अचार. अभी कंप्लीटली 10 मिनट में हमारा टमाटर रेडी हो चुका है. देखिए तेल निकल कर आ रहा है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे. सो अभी गैस बंद कर देंगे. इसको ठंडे होने के बाद 5-6 मिनट में ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसको बीस कर निकालेंगे. सो गैस बंद कर देते हैं. सो ठंडे होने देंगे. अभी टमाटर ठंडा हो चुका है, ब्लेंडर में डालकर अभी बीस कर लेकर आएंगे. अभी बीस कर रेडी हो चुका है, ऐसा होना चाहिए. सो अभी इसको तड़का लगाएंगे. अभी पान गर्म हो गया है, इसमें तेल डालेंगे. अभी इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे. अगर आपके पास राई है राई का दाना डाल दीजिए, और जीरा भी बेस्ट रहेगा. सो अभी जीरा रेडी हो गया है, इसमें गार्लिक डाल देंगे, डालकर मिक्स कर लेंगे. गार्लिक
लहसुन ब्राउन आना चाहिए। ब्राउन आने के बाद टमाटर डाल देंगे। अब देखिए कम्प्लीटली लहसुन ब्राउन हो चुका है, तो अभी जो टमाटर पीस कर रखा है ना वो डाल देंगे। अभी इसको धीरे धीरे कुक करेंगे, जैसा इसमें कम्प्लीटली और थोड़ा पानी है ना वो सूखने तक, सूखकर ऊपर तेल आने तक इसको स्लो फायर में 10 मिनट 8 से 10 मिनट इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसमें मसाला लास्ट में डालकर कंप्लीट करेंगे, तब तक इसको कुक करेंगे। अभी मसाला डालेंगे ना थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छी तरह कुकने दे उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। सो अभी 8 मिनट हो चुका है, देखते हैं कैसा कुक हुआ। देखिए कितना तेल निकल कर आया है ना। अभी और 2 मिनट कुक होना है, उससे पहले जो मसाला रखा है ना हमने ये सारा डाल देंगे। अभी लाल मिर्च, तीखा मिर्च, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, लास्ट में नमक डाल दीजिए। सो अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छी तरीके से कुक हुआ, ये 4 से 5 महीने तक, 6 महीने तक इसको अंदर स्पून ना डाले, तो जब ये अचार निकालेंगे बॉटल से स्पून अलग कर दीजिए, ज़्यादा देर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनेगा टमाटर, चिप एंड बेस्ट में जब भी मिलेगा तभी लहसुन टमाटर अचार बनाकर स्टोर कर कर रख लीजिए, ये काम आ जाएगा। अभी इसमें इमली डाल देंगे, इमली डालकर और कुक करना है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसको मिक्स होने के लिए कुक करेंगे। सो रेडी हो गया है हमारा स्वादिष्ट टेस्टी यमी टमाटर गार्लिक का अचार, टमाटर लहसुन का अचार परफेक्टली रेडी हुआ है। सो अब भी बनाकर देखिए, यह है ना आलू का पराठा, चपाती, चावल, स्पेशली जब भी आलू मटर की चावल बनाते हैं ना, और कभी व्हाइट चावल बनाएंगे उसमें थोड़ा सा घी डालकर इसमें एक चम्मच रखकर खा कर देखिए, वाव क्या टेस्ट है, आप भी बोलेंगी वाव सो यमी। सो बनाकर रखिए और इसको है ना 2-3 घंटे के लिए ठंडे होने दीजिए, उसके बाद एक कांच का बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए, जब चाहिए लेकर यूज़ कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।